और ये कौन है? तो दोस्त हम कहीं जाने वाले हैं तो चलो देखते हैं क्या रहता है। कैसे हो? यहाँ पे राखी भी मिल रही है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षित राजस्थानी। तो गाइस करते हैं आज का दिन स्टार्ट। तो अभी हमारे साथ है मंजूर भाई। तो आज हम कहीं जाने वाले हैं, मैं, शुभम और मंजूर भाई। तो हम दोनों यहाँ पे खड़े और शुभम का वेट कर रहे हैं। वो आता ही होगा, आता है उससे मिलते हैं, फिर हम तीनों कहीं जाते हैं। कहाँ रह गया था बे? कहाँ था? कब का वेट करें हम यहाँ पे पीछे? तुम लोग पता नहीं किस रास्ते से आएगा, मुझे रास्ता पता नहीं। मैम उस साइड से आया, तू उस साइड से आया, बोला था लेफ्ट लेफ्ट लेना, तूने लिया ही नहीं, सीधा आगे का। यहाँ से आ रहे हैं अपन। मंजूर ये शॉर्टकट है क्या? ठीक है। सो गाइज हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसके बीच में एक ये गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है और काफ़ी लोग आते हैं सुबह यहाँ पे। हम इस रास्ते से जा रहे थे, बीच में है गार्डन ये, तो उस वजह की आपको दिखाऊं। और वो मंजूर जा रहा है आगे। आज गाइज हम कहीं जा रहे हैं लेकिन हम दोनों को पता नहीं है, सिर्फ मंजूर को पता है कि कहाँ जाना है, तो वही लेके जा रहा है हमको। तो हम भी जा रहे हैं, हमको खुद को पता नहीं कि वो कहाँ लेके जा रहा है, बट चलो स्टिल चलते हैं। सुबह बारिश हुई थी क्या? आज सुबह हुई थी ना बारिश? हुई थी ना, पता ही नहीं अपन तो, अपन को पता ही नहीं चला कि सुबह बारिश भी हुई। मैं तो बाहर आया ना सुबह चाय पीने, तब पता चला कि भाई बारिश भी हुई थी आज। गाइस सुबह के टाइम में यहाँ पे बारिश हुई थी, तो अभी भी मौसम थोड़ा बारिश जैसा ही है, तो बारिश भी हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ी उमस है तो कभी भी हो सकती है बारिश। बारिश का कुछ बोल नहीं सकते, मौसम मुंबई का अचानक चेंज होता रहता है। तो चलो हम जा रहे हैं। गाइस सबसे आगे वो मंजूर जा रहा है, उसके बाद सुबह में और मैं हूँ। इतना तेज़ चलता है ना मंजूर, हम तो पीछे रह जाते हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं? सुबह से तो बता नहीं रहा है, कहाँ जा रहे हैं अपन? आप कैडबरी का शूट है तो उसके लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? ये अपने आरामनगर। आरामनगर जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, और ये कौन है? आपका दोस्त है क्या? ये अपने दोस्त हैं, ये वेब सीरीज़ के लिए चल रहे हैं अभी आरामनगर ही। अच्छा, ये 5 प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी बुलाया है, तो देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है। हाय भाई। हाँ, कैसे हो? बढ़िया। क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, तो गाइस ये हमारे नए दोस्त हैं, हमको यहाँ पे मिले, हम तीनों ऑडिशन देने जा रहे हैं। मंजूर राम, चलो भाई। तो गाइस हम चारों लोग ऑडिशन देने जा रहे हैं आज वापस, कल भी गए थे आज भी जा रहे हैं। मे भी कुछ हो जाए, कल एक्चुअली ऑडिशन देने गए थे बट ऑडिशन बंद था, हुआ नहीं ऑडिशन, तो आज वापस जा रहे हैं हम चारों, देखते क्या होता है। सो गाइस मंजूर बोल रहा है कि कोई कैटबरी का ऑडिशन है, कोई कैटबरी की एड है, उसका ऑडिशन है, तो उसके लिए जाना। और एक ये भाई भी ये बोल रहे हैं कि कोई वेब सीरीज का भी ऑडिशन चल रहा है, तो चलो हम चलते और देखते वहाँ का कैसा माहौल है और क्या होता है आज पूरे दिन में। गाइज मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ और शुभम और मंजू दूसरे ऑटो में आ रहे थे, तो वो भी बस आने ही वाले हैं। कौन सी जगह पे? 183-2000। अच्छा, अमनु शर्मा है, कास्टिंग चल रहा है। अच्छा, तो वेब सीरीज का है ना? वेब सीरीज का है। अच्छा, कहाँ रह गए थे तुम? ऑटो आगे पीछे हो गया था। क्या? ऑटो वाला आगे पीछे हो गया था। आगे पीछे हो गया ना, ठीक है। शुभम का है? चलो तो गाइज हम चारों आ गए हैं, तो अभी चलो चलते हैं ऑडिशन के लिए। तो गाइज आज वापस मैं वहीं पे आया हूँ जहाँ कल आया था। अगर किसी ने मेरा कल वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखना। तो आज हम वापस ऑडिशन देने आए हैं, कल आए थे लेकिन ऑडिशन नहीं था, वो ऑडिशन आज है, तो चलो देखते हैं क्या रहता है। आई होप कुछ हो जाए, वापस हम यहाँ पे आए। गाइज बारिश की वजह से यहाँ पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है, देख लो चारों तरफ पानी भर गया है। रात को बारिश अच्छी हुई थी। सुबह में यहाँ पे इतनी सारी कार क्यों आई है? ये सेल के लिए, बेचने के लिए भी, या नहीं तो यहाँ फिर पार्किंग है। ऐसा है, पार्किंग ही होगा भाई। तो गाइज फाइनली हम पहुँच गए ऑडिशन जहाँ पे हो रहा है उस प्लेस पे। तो यहाँ पे देख लो गाइज कितनी सारी भीड़ है, शायद कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो देखते हैं क्या रहता है। A few moments later. So guys, finally हमारा ऑडिशन हो गया और मुझे, मंजूर और शुभम
हम तीनों को सिलेक्ट किया और हमारा ऑडिशन हुआ, एक छोटा सा इंट्रो हुआ और हमारा लुक टेस्ट भी हुआ। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे तक, उनका अगर कॉल आता है, अगर उनके उनको जो जैसा कैरेक्टर चाहिए उसमें हम अगर परफेक्ट होते हैं तो उनका कॉल आएगा, तो आगे कुछ काम मिलेगा अच्छा खासा। बाकी अभी मैं, मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसको मिलने जा रहा हूँ, और शुभम और मंजूर वो वहाँ पे, उनको कुछ काम है इसलिए वो वहाँ पे रहेंगे, और मेरे को अर्जेंटली एक दोस्त को मिलने जा रहा है इसलिए मैं उनको वहाँ पे छोड़ के और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा अपने दोस्त को मिलने। तो चलो चलते हैं। तो गाइज मेरा एक दोस्त है तो वो भी व्लॉगिंग ही करता है, वो भी एक अच्छा व्लॉगर है, तो मैं उसको ही मिलने जा रहा हूँ अभी। रैंडमली उसका कॉल आया, हमको कल मिलना था एक्चुअली, बट कल मैं थोड़ा बिजी था उसकी वजह से हम नहीं मिल पाए, और अभी सोचा कि अभी उसको मिलने जाऊँ तो अभी जा रहा हूँ। सो गाइज मैं बस में जा रहा था तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा था, कम से कम मुझे आधे घंटे से ऊपर टाइम लग गया, तो मैं बस से उतर के अभी पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि स्टेशन पास नहीं है। स्टेशन जाने के बाद फिर मैं जाऊँगा गोरेगांव मेरे दोस्त को मिलने। सो गाइज फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अंधेरी स्टेशन, अब मुझे गोरेगांव जाना है, तो चलो चलते हैं। Few moments later. जैसा कि मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि मेरा एक दोस्त है जो भी यूट्यूबर है, उससे मिलने आ रहा था, वो ये है। हाय भाई, कैसे हो? नाम बताओ मेरे ऑडियंस को आपका। हमारा नाम है इमरान खान 11। अच्छा, आपके यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। चैनल का नाम ही इमरान खान 11। अच्छा, भाई का भी चैनल है, सब्सक्राइब कर देना गाइज। और मैं बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ उनसे, और मेरी सिर्फ सोशल मीडिया पर इनसे फ्रेंडशिप हुई थी, तो आज इनसे मिले। तो कहाँ चले, मलाड चले क्या? चलो ठीक है गाइज, मलाड जा रहे हैं, हमको कुछ काम है तो वहाँ पे देखेंगे, वीडियो बनाने का सीन हुआ तो वीडियो बनाएंगे। तो गाइज हम अभी मलाड में आ गया, और भाई ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो चलो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है और कैसा है, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ वैसे, तो चलो दिखा दो आपको कि है क्या एक्चुअली। तो गाइज रक्षाबंधन आ रही है, तो देख लो यहाँ पे राखी भी मिल रही है, ये काफ़ी बड़ा मार्केट है। भाई मुझे लेके आया है, यहाँ बॉयज़ के कहाँ पे मिलेंगे भाई कपड़े? लेफ्ट साइड में। चलो शर्ट है? हाँ शर्ट भी है, देखो शर्ट है अलग अलग, इसमें कलर मिलेंगे आपको, 12 डिजाइन मिलेंगे अलग अलग, 200 वाले का 150 है, देखो अलग अलग डिजाइन है, अलग कलर है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि मलाड में जो मार्केट था कितना प्यारा था, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, तो मैं और मेरा दोस्त यहाँ आसपास एक पार्क है तो इस पार्क में आया। देख लो गाइस कितना प्यारा पार्क है, पार्क का नाम है पुष्पा पार्क। यहाँ पे मैं पहले भी आया हूँ, 2 साल पहले मैं मुंबई रहता था तो यहाँ पे आता रहता था, तो बहुत टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है ऐसा कैसा ही अभी तक, तो देखते हैं थोड़ा कुछ यहाँ पे, वरना तो फिर अभी बस अंधेरा होने वाला है, फिर मैं जाने वाला हूँ घर।